बीजेपी के छोड़े हुए भगवा वेश में गुंडे हैं, छोड़े हुए भगवा वेश में गुंडे हैं। तो एक गुंडे की बात का क्या क्या उसका जवाब? तो एक गुंडे की बात का क्या क्या उसका जवाब? बाबा को गुंडे बता रहे हैं आप? मैंने तो बताया ना कि बीजेपी के छोड़े हुए जितने भी बाबा हैं भगवा वेश में, बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे हैं भारत। और इसकी बात तो क्या तुम अफगानिस्तान को मिला लोगे इसमें? पाकिस्तान को मिला लोगे क्या? बांग्लादेश को मिला? क्या तो ऐसे पाकिस्तान को मिलाना है? ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अशोक का अखंड भारत बनाने की बात, आप हो सकते हैं उसके समर्थन में? आप कहो, कहो ना, आप कहो अखंड भारत के समर्थन में हो आप? बेकार की बातों का कोई अर्थ नहीं। इस पर संविधान बचाने की बात चल रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? क्या देश संविधान से नहीं चल रहा क्या? देखिए, अगर देश संविधान से चलता तो ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन है ये नहीं चलाने की जरूरत होती। देश एक तानाशाह की मर्जी से चल रहा है और संविधान को पैरों तले कुचल के ये देश को चलाया जा रहा है, इसलिए इस मिशन की जरूरत। लेकिन बाबा द्वारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये तो बाबा हो कोई भी हो कुछ भी सपने देख सकता है। ये देश न कभी हिंदू राष्ट्र था, न आज हिंदू राष्ट्र है और न ही जीवन में कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये उनको सपने देखने हैं, देखते रहे, इससे कोई फर्क नहीं। कहा जा रहा कि देश हिंदू राष्ट्र की दहलीज पर है। बस प्रयास है उनका, निश्चित रूप से प्रयास है उनका, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री हो, बड़े बाबा चमत्कारी बाबा हैं, वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कोई तो लॉजिक होगा पीछे, कोई तो तैयारी होगी। उनके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, ये बीजेपी के छोड़े हुए भगवा वेश में गुंडे हैं। तो एक गुंडे की बात का क्या क्या उसका जवाब? बाबा को गुंडे बता रहे हैं आप? मैंने तो बताया ना कि बीजेपी के छोड़े हुए जितने भी बाबा हैं भगवा वेश में, बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे हैं। भानु जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं, पर्चा निकालते हैं, निकाल लेंगे पर्चा? कोई बात नहीं, जो निकालेंगे देखा जाएगा। पर्चा ही तो बांटते हैं हम, उन्हीं को तो देखते हैं और क्या करते हैं। भानु जी, रामदेव भी अभी जहर उगल रहे थे हिंदू राष्ट्र की, और बाबा हिंदू राष्ट्र के साथ साथ अखंड भारत की भी बात कर रहे हैं। अखंड भारत को किस तरह देख रहे हैं? अभी आप बाबा की बात कर रहे हैं, अभी वो जहर उगल रहे थे, वो सारी चीजें। देखिए, मैंने बताया कि ये सब कुछ ना, अखंड भारत भी बनाएंगे बाबा? अखंड भारत उन्हें बनाना है, बनाने का एक बार प्रयास कर लें। और अखंड भारत बनाने से पहले जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह चली गई है चाइना के कब्जे में मोदी शासन में, पहले उसे ले लें, और बाकी जो हिस्सा है अपना पहले उसे ले लें, जिसे ले नहीं सकते क्योंकि खुद ही लुटाने वाले हो रहे हैं। तो पहले उनको लो, उसके बाद में जो अखंड भारत और इसकी बात, तो क्या तुम अफगानिस्तान को मिला लोगे इसमें? पाकिस्तान को मिला लोगे क्या? बांग्लादेश को मिला? क्या तो ऐसे पाकिस्तान को मिलाना है? ये पागलपन के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान को मिलाना है देश में। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है और कुछ नहीं। पाकिस्तान को मिलाने की भी बात हो रही है? कहने में कुछ भी जो मन में तो आप अखंड भारत के समर्थन में नहीं है? नहीं, काहे का भारत, मैं भारत के समर्थन में हूँ। अखंड भारत, मैं भारत अशोक का, अशोक का, मैं भारत के समर्थन में हूँ। मैं भारत वर्तमान जो भारत है मैं उसके समर्थन में हूँ। अशोक का अखंड भारत बनाने की बात, आप हो सकते हैं उसके समर्थन में? आप कहो, कहो ना, आप कहो अखंड भारत के समर्थन में हो आप? बेकार की बातों का कोई अर्थ नहीं, इस पर समय बर्बाद करने का भी कोई अर्थ नहीं। भारत के समर्थन में है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, हर किसी को करना चाहिए। भारत के संविधान को बचा के भारत के जो नागरिक है उनके लिए काम। लेकिन ये अखंड भारत कैसे बनेगा ये, जबकि यहाँ से तो मुसलमानों को बाहर निकालने की जो चीज नहीं हो सकती उसके विषय में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं, जो असंभव चीज है।